गुड आफ्टरनून, सभी को प्रणाम। मैं पायल सिंघल लिव होलिस्टिक की तरफ से आज हम जुड़ने जा रहे हैं हमारी वेनसडे की नई सीरीज में, जो कि हमारी एक सीरीज है योगा फॉर माय हेल्थ की। उसके अंदर ही आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर किड्स। तो आज योगा फॉर किड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं एक किड के लिए योगा के रेस्पेक्ट में, उनके बारे में हमारे साथ जो जुड़ने जा रही हैं आज की एक्सपर्ट, आज की गेस्ट सर्वनिष्ठा सिंह, तो जल्दी ही वो हमारे साथ जुड़ेंगी। जुड़ने वाली हैं तो हम उनसे जानेंगे। सर्वनिष्ठा मैम जो हैं वो योगा इंस्ट्रक्टर है नोएडा में, तो हम मैम जुड़ने जा रही है हमारे साथ। जैसा कि मैम जुड़ गई हैं लगभग, हम लिव होलिस्टिक की तरफ से आपका इस टॉक में सर्वनिष्ठा मैम का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैम के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैम सर्वनिष्ठा सिंह है, इन्होंने मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन बोथ योगिक साइंस में किया है और अभी एज ए योगा इंस्ट्रक्टर नोएडा में काम कर रही हैं और बहुत ही कर्मठशील युवा हैं अपने पैशन को लेके। और जैसे ही आज हमारे साथ, जैसे हम टॉक में आगे बढ़ेंगे और हम मैम के बारे में धीरे धीरे चीज़ों को जानते चलेंगे, तो हम बिना देर किए मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो और अपना इंट्रोडक्शन अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, फिर हम सेशन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू पायल मैम फॉर वेलकमिंग ऑन योर चैनल। एक्चुअली अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन, वैसे मेरा इंट्रोडक्शन पायल मैम ने दे दिया है, पर मैं अपने से कुछ चीजें बताना चाहूंगी। मेरा नाम सर्वनिष्ठा सिंह है और मैंने हाल ही में अपना मास्टर्स पतंजलि से कंप्लीट किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से, और मैं राइट नाउ एज अ योगा इंस्ट्रक्टर नोएडा में कर रही हूँ। और जैसे कि आज का टॉपिक है लाइव होलिस्टिक में कि योगा फॉर किड्स, हम किड्स के लिए कैसे योगा मतलब अच्छा होता है, कैसे वो उसको यूजफुल होता है, क्यों किड्स को अपने लाइफ में योगा ऐड करना चाहिए, हम आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए सेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। तो मैम पहला क्वेश्चन, जब बच्चों के योगा के बारे में बात आती है तो ये दिमाग में उठता है कि क्या योगा की नीड है क्या, मतलब बच्चे तो खेलते भी हैं कूदते भी हैं, बचपन में तो सभी लोग एक्टिव होते हैं, तो क्या योगा की नीड भी किड के लिए होती है, क्या किड को भी योगा करना चाहिए क्या, तो इसके बारे में आपके क्या थॉट है? एक्चुअली बच्चे खेलकूद में पार्टिसिपेट लेते हैं, बट सारे बच्चे नहीं लेते। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कोविड की वजह से बच्चों की स्टडी जो है वो स्कूल में ना जाके फोन पे सीमित हो गई है, तो बच्चों की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी वो अब नहीं हो पा रही है उतनी। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक डेली रूटीन होता था कि हम बाहर निकलेंगे, घर के बाहर जाएंगे, खेलेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल में कुछ एक्टिविटीज हो जाती थी, वो सारी कहीं ना कहीं अब बंद हो गई हैं और कम हो गई हैं अगर हम देखें। तो जब हम योगा को बच्चों की लाइफ में ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि एक तरह से बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वो बच्चों के वो संपूर्ण विकास के लिए अच्छा है, एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो एक छोटे से पौधे के समान होता है, जिसे हम जितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, जितना खाद डालेंगे, जितना पानी डालेंगे, उसको सनलाइट मिलेगी, वो उतना ही अच्छे से ग्रो होगा। उसी तरह एक बच्चा है, उसको हम केवल स्टडी के थ्रू आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, केवल पढ़ाई करके वो ग्रो नहीं कर सकता, उसके लाइफ में और भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी हमें। तो योगा उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऐड करता है किसी भी बच्चे के भविष्य को अच्छा करने के लिए, उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, उसको पूरी तरीके से बिल्कुल एक ग्रो करने के लिए। ओके, मतलब आपके थॉट में ये है कि कोविड की वजह से जो भी बच्चों में नेगेटिवनेस आई है घर में रह के, तो आफ्टर कोविड ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी से ही बच्चों को योगा के प्रति रुझान किया जाए, ताकि उनके उनके लाइफ स्टाइल में घर में रहते हुए भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी योगा में होती है, तो उस तरह की एक्टिविटीज से वो लोग जुड़े रहे हैं जिनसे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। चलिए बहुत अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जब भी बच्चों के बारे में बात आती है कि ठीक है हम योगा करना चाहिए, ये हमने जान लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, बट कैसे करें, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों की बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है अगर हम ऐसे देखें तो, बहुत जल्दी से कोई भी वो
आसन कोई भी बेंडिंग कर सकते हैं, बट क्या प्रॉपर गाइडेंस उन्हें चाहिए होता है या फिर वो खुद से घर में कर सकते हैं? तो कैसे बच्चों के लिए योगा करना चाहिए और वो कैसे हेल्प करता है बच्चों के ग्रोथ में योगा? जैसे कि आपने बोला मैम कि बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये सच बात है, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो बहुत जल्दी किसी चीज को सीख लेते हैं, क्योंकि वो बच्चों में क्या होता है कि उनके अंदर एक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को सीखने की। तो हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बच्चे अगर खुद से करेंगे तो एक होता ना कि गाइडेंस की जरूरत हमेशा होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि योगा में कौन सा आसन किस तरीके से करना है, कौन सा आसन किस बच्चे के लिए यूजफुल है, तो ये सारी चीजें एक योगा इंस्ट्रक्टर एक योगा टीचर ज्यादा अच्छे से बता सकता है, इसलिए गाइडेंस की जरूरत उन्हें पड़ेगी। और फिर दूसरा, केवल आसन से वो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए ये जरूरी नहीं है, आसन करके उनकी बॉडी की हेल्थ अच्छी हो सकती है, पर केवल बॉडी आपकी अच्छी हो केवल वो मैटर नहीं करता है, आपका माइंड भी शार्प होना चाहिए एज अ चाइल्ड, क्योंकि आपको पढ़ाई में भी रहना है आगे। बच्चों में होता है कि हमें टॉप करना है, हमारे नंबर अच्छे आने चाहिए, उनको गेम्स में भी होता है कि हम मतलब गेम्स में अगर पार्टिसिपेट किए तो हम फर्स्ट आने आए, तो इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं जब आप योगा को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, बच्चों की लाइफ में जब हम योगा ऐड कर रहे होते हैं, तो बच्चे योगा के थ्रू वो अपने माइंड पे फोकस कर सकते हैं, वो अपने माइंड की भी एक्टिविटीज को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी जो उनकी बॉडी से हो रही है वो भी उनकी क्योर होती है, उनसे बहुत अच्छी हो जाती है। इट मीन्स आपने बोला कि योगा फिजिकली नहीं मेंटली भी उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, लाइक जैसे कि सभी बच्चों का होता ही है, आपने बिल्कुल सही बोला कि मुझे उस फ्रेंड से टॉप करना है या मुझे पिछली बार से ज्यादा अच्छे मार्क्स आने, कंपटीशन की भावना बड़े होने के बाद खत्म हो जाती है, बट हाँ जब तक हम बच्चे रहते हैं तो हमारे बीच में भी था कि हमारे फर्स्ट हमारा आना चाहिए सेकंड आना चाहिए, तो बिल्कुल, तो इसमें मेंटल वर्क अपना होता ही है और मेंटल वर्क कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क से भी अफेक्ट होता है, तो योगा जो करता है होलिस्टिकली फिजिकल मेंटली हर तरह से डेवलप करता है, इसी तरह से योगा एक बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में ये आता है कि ठीक है हमने जान लिया कि क्यों योगा करना चाहिए कैसे करना चाहिए, ठीक है एक प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए, बट अगर कोई जनरल है कि थोड़ा बहुत उन्हें उनके पेरेंट्स को या नॉलेज है, तो कौन कौन से ऐसे 10 आसन आप ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में हो अभी प्रेजेंटली, कि ऐसे कौन कौन से आसन है कि बच्चा कर सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आजकल गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, ठीक है, तो अगर कोई थोड़ा भी गाइडेंस किसी से ले तो एक जनरल क्या हो सकता है कि कौन कौन से आसन बच्चे कर सकते हैं अपनी बॉडी और माइंड दोनों को अच्छा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए? देखिए अगर हम बच्चों की जब बात कर रहे हैं तो बच्चों का जो मेन फोकस होता है वो उनका होता है कि हमें उनके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना होता है, वो ज्यादा एकाग्र हो सके, ज्यादा फोकस्ड हो सके बच्चे, तो हमें ऐसे आसन लेने चाहिए जो उनके मन को शांत भी रखें और वो उनको एकाग्र होने में हेल्प कर सकें, उनको फोकस्ड होने में हेल्प कर सकें। तो ऐसे आसन के लिए मैं प्रेफर करूंगी जो बच्चे कर सकते हैं, तो कुछ बैलेंसिंग आसन है जो जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं ट्री पोज, वृक्षासन हम ले सकते हैं, उसमें बच्चों का क्या होता है कि पूरा फोकस होके एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए और अपने बॉडी के बैलेंस को बनाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं ट्री पोज हो गया तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत यूजफुल होता है अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। फिर दूसरा आ जाता है, अगर हम आसन में लें तो बच्चों के लिए हो जाता है, और आसन में अगर हम लेना चाहें तो शीर्षासन हो जाता है, बट वो गाइडेंस में होना चाहिए, अगर पेरेंट्स को आता है शीर्षासन कैसे करते हैं और अगर उन्हें स्टेप पता है तो वो कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करके, सेफ्टी का यूज करके वॉल का यूज करके और नीचे गद्दा बिछा के, तब वो बच्चों को उसमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और क्योंकि वो बच्चे हैं तो ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे शीर्षासन वगैरह, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता गिरने का कि हम गिर जाएंगे तो हमें लग जाएगी, वो इतना नहीं डरते, वो मजे मजे में सीख लेंगे, बल्कि जो बड़े होते हैं उनको डर लग रही होती है कि नहीं अगर हम गिर गए तो हमें लग जाएगी, पर बच्चों में ये चीज होती है कि अगर आप उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू अगर आप शीर्षासन भी सिखा रहे हैं पूरे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो वो बहुत खुशी खुशी इस चीज को सीखते हैं और जल्दी उस चीज
को मतलब सीख लेते हैं, तो शीर्षासन हो गया। और अगर हम बात करें मेडिटेशन से रिलेटेड, अगर हम बात करें तो बच्चे जल्दी मेडिटेशन नहीं करना चाहते, उनको नींद आने लगेगी क्योंकि उन्हें उस चीज के बारे में इतना नहीं नॉलेज है कि क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। बट जैसे हम त्राटक ले सकते हैं, त्राटक में क्या होता है कि हमें एक जल्दी लॉ पे फोकस करना होता है, एक तक देखना होता है। तो बच्चों को हम ये एज अ खेल खेल में उनकी आदत डला सकते हैं, ये चीज करने की। बच्चों को हम खेल खेल में कैसे आदत डला सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हमें कॉम्पिटिशन करना है एक दूसरे से कि कौन कितने देर तक कंटिन्यू बिना पलक झपकाए उस जलती हुई लॉ पे फोकस होकर देख सकता है। तो वो क्या होगा, हमने एक तरह से बच्चों को त्राटक भी करवा लिया और वो खेल खेल में उस चीज को सीख भी गए, तो वो उनके कहीं ना कहीं उनके लिए वो यूजफुल हो गया। और ऐसे ही हम उनको प्राणायाम अगर करवा रहे हैं तो प्राणायाम में ये हो जाता है कि कंटिन्यू बच्चे नहीं बैठ सकते, उनका हाथ दर्द होने लगेगा, उनको बोरिंग लगने लगेगा कि क्यों मतलब एक सांस लेना है छोड़ना है। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज ऐड करनी होगी कि अगर हमें बच्चों से करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव एक्टिविटीज ऐड करनी होगी कि वो करवाते हुए हम सांसों पे उनका फोकस लेके जाए और फिर वो उस तरीके से हम प्राणायाम करवाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आसन, प्राणायाम और त्राटक तीनों चीजों के बारे में बताया कि किस तरह से बच्चों को एक क्रिएटिव तरीके से, क्योंकि बच्चे बनके भी बहुत चंचल होते हैं, अगर आप उनको सेम चीज डेली डेली रिपीट करवाओगे तो वो भाग जाएंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको डेली कुछ नया चाहिए होता है, हम बड़े लोगों को तो ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट पता है, तो ठीक है बोरिंग लग रहा है तो भी हम लोग उसको कर लेते हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए ही है तो हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए। बट बच्चे उस चीज को नहीं सोच पाते हैं, उनको तो ये है कि हो गया ये तो रोज ही होता है, हम रोज रोज इसको नहीं कर सकते, तो हमें कुछ क्रिएटिव चीजें उसमें डालनी पड़ेगी। हमें योगी होने के साथ साथ हमें क्रिएटिव भी होना पड़ेगा कि किस तरह से एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को ऐड किया जा सकते हैं। तो मैम जब एक्टिविटीज और योगा की बात आती है तो आप इसमें बता सकती हैं कि किस तरह से, जैसे खेल भी बच्चे खेलते हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स भी बच्चे खेलते हैं और आसन योग भी बच्चे करते हैं, तो दोनों में क्या ऐसा कौन सा एक डिफरेंस है कि जो चीजें हमें योग से अच्छी मिल सके और हमें खेल से अच्छी ना मिल सके, तो ऐसा क्या डिफरेंस हो सकता है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे इंडोर गेम भी आ गए हैं, तो इंडोर गेम में भी माइंड वर्क तो होता ही है, आउटडोर फिजिकल वर्क नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं क्या डिफरेंस एक हो जाता है गेम में और योग में, इसके बारे में आपके क्या थॉट होंगे? देखिए अगर आप गेम की बात कर रहे हैं तो गेम दो तरह के हैं आज के टाइम पे, एक होता है कि आप फोन पे गेम खेल रहे हैं, एक होता है जो बच्चे बाहर ग्राउंड पे जाके खेल रहे होते हैं। अब हमें ये देखना कि बच्चा गेम कौन सा खेल रहा है, अगर वो ग्राउंड पे जाके खेल रहा है तो वो बैठ के फोन पे खेलने से तो मच बेटर है, एटलीस्ट वो कुछ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको जो नेचर की जो एनर्जी होती है, जो नेचर से कनेक्ट होना चाहिए आज के टाइम पे बच्चों को, वो हो पा रहे हैं, उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि अगर हमारे आसपास अगर हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, हवा हमारे लिए क्यों जरूरी है। बच्चों को हम बोलते हैं सुबह धूप में निकलने को, क्यों निकलने को, हमें वो चीज बतानी पड़ेगी बच्चों को कि अगर तुम बाहर धूप में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, खेल रहे हो सुबह सुबह, अगर तुम बाहर थोड़ी देर धूप में सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें अगर तुम योगा कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्थ में ज्यादा अच्छी होगी। हमें बच्चों को इस तरीके से समझाना पड़ेगा। और फिर अगर हम देखें कि गेम में और योगा में क्या डिफरेंस हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि गेम जो होता है वो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे इंजॉय करते हैं, जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं, बट योगा जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटी में आपकी हेल्थ पे फोकस करता है, आपके पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। क्योंकि योगा हमें केवल इसलिए नहीं करना होता है कि हम फिजिकली फिट हों, योगा हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम मेंटली भी पीसफुल हो, मेंटली भी हम हमारा माइंड शांत रहे, हमारा मन शांत रहे, और हम ज्यादा एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसमें अपने फोकस कर सके। योगा जो होता है वो हमें एज अ पॉजिटिव अंदर से बनाता है गेम में, जबकि हम कई बार होता है गेम में बच्चे, नो डाउट गेम एज अ पॉजिटिव एक्टिविटी है, बट गेम में कई बार बच्चे क्या होता है कॉम्पिटिशन की भावना इतनी बढ़ जाती है उनमें कि वो एक नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं अपना जीतना, मुझे जीतना है तो मैं सामने वाले को कैसे भी हराऊंगा, तो वो एक पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो होती है वो उसमें ऐड हो जाती है। बट योगा में हराने की बात कहीं नहीं होती है,
योगा किसी दूसरे से कंपटीशन करवाने के लिए बोलता, योगा बच्चों को ये सिखा रहा होता है कि तुम्हें खुद से अपने आप में डेवलप करना है, कि आज तुमसे अगर ये आसन नहीं लग पा रहा है तो तुम्हें ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें ये प्रैक्टिस अपने उसमें ऐड करनी है ताकि आने वाले कल में 2-3 दिन बाद या कुछ हफ्ते के बाद तुमसे वो आसन लगने लगे। तो उसमें केवल बच्चों का माइंड जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है कि हाँ मुझे ये सीखना है, उसमें ये नहीं होता मुझे सामने वाले को हिला के आगे बढ़ना है। तो ये एक मेन डिफरेंस आ जाता है योग में और गेम में। मतलब हम बोल सकते हैं कि योगा केवल जीतना सिखाता है, अगर खेल से अगर हम उसको कंपेयर करें तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। और एक चीज भी योगा में जो वो बोल सकते हैं कि योगा में हम लोग ब्रीदिंग पे भी फोकस करते हैं, खेल में ऐसा नहीं होता है, खेल में हम लोग बस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन योगा में हम ब्रीद इन कब करना है, ब्रीद आउट कब करना है, कब हमारा बॉडी का मूवमेंट ब्रीदिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल वर्क में, हमारी जो थॉट प्रोसेस होता है, हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, उसमें वो अफेक्ट करता है। तो इसलिए भी योगा खेल से बहुत बेहतर है। ठीक है, नहीं के बजाय आप कुछ भी करिए, एटलीस्ट खेल ही खेलिए, लेकिन अभी के समय में क्या है कि बाहर बच्चों को भेजना अनसेफ है, कि आप किसी पार्क में बच्चों को नहीं भेज सकते हैं कि जहाँ पे वो खेल खेल सके। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप घर में रह के अपनी बालकनी में, जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा एयर का पोर्शन हो पॉसिबली, तो वहां पे आप योगा कर सकते हैं बच्चों के साथ में, बच्चों को करवा सकते हैं। जब योगा की बात आती है तो मैम, जैसे कि आपने ब्रीदिंग का भी बोला और चीजें आपने बोली, तो ऐसे कौन कौन से 2-3 आसन आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो कौन कौन से प्राणायाम करें, आसन नहीं सॉरी प्राणायाम, की कौन कौन से प्राणायाम वो करें जिनकी वजह से उनकी कैपेसिटी जो है, बच्चों की ब्रीदिंग प्रोसेस है या फिर कंसंट्रेशन बोला जाए, तो आसन तो आपने बताया, पर कौन कौन से ऐसे 1-2 प्राणायाम हो सकते हैं जो बच्चे अपने माइंड को शार्प करने के लिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, बच्चों का सबसे बड़ा जो इश्यू होता है उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम हो सकते हैं? मैं अगर मेन फोकस अगर बच्चों के अकॉर्डिंग प्राणायाम के लिए अगर मैं करूंगी तो मैं भ्रामरी प्राणायाम पे करूंगी, क्योंकि बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, बट अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो मेन बच्चों के लिए जो यूजफुल है वो सबसे ज्यादा यूजफुल भ्रामरी प्राणायाम है। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है हमारे माइंड में, जो कि मतलब हमें ये जो नर्व्स होती है उनके ब्लॉकेज को खोलती भी है, साथ में हमारे कंसंट्रेशन पावर भी उसमें बढ़ता है और हमारी सांसों की क्रिया भी उसमें एक लहर होती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का भी लेवल इंक्रीज होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जब एक साथ मिलती हैं तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल बच्चों के लिए होती हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रहा है प्राणायाम के थ्रू, प्लस हम जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर भी क्रिएट होता है, वो भी बढ़ता है, क्योंकि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है हमारे माइंड में जब हम ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं मुंह बंद करके, तो वो उसकी वजह से एक हमारे माइंड पे यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है हमारी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए। सबसे बेस्ट तो भ्रामरी प्राणायाम है। उसके बाद अगर हम और अच्छा कोई प्राणायाम ऐड करना चाहते हैं तो हम अनुलोम विलोम ऐड कर सकते हैं। उसमें भी एक लयबद्ध क्रम में हम सांसों को लेते और छोड़ते हैं एक सही तरीके से, जिसमें कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हमारे जो सभी ऑर्गन्स है वो सही तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, वर्क करते हैं, और साथ ही हमारे नर्व्स में जहाँ कहीं भी कोई ब्लॉकेज होती है जिसके वजह से बच्चों के किसी भी फिजिकल फिजिकल फिटनेस में अगर कोई कमी आ रही है, कहीं बच्चों के हाथ में दर्द हो रहा है या किसी भी तरह की कोई डिजीज है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने 2 प्राणायाम बताए, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। और एक चीज ये है कि भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो बच्चों को लगता है कि लाइक कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा ही प्राणायाम है जो लगता है कि हाँ हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें हाथ को भी ऊपर करना होता है और ब्रीदिंग पे फोकस ना करके हमें जो हम उसमें जो गुंजक करते हैं ओम का मकार ध्वनि का, उस पर उन्हें फोकस करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो वो भी एक बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि हाँ उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है।
तो ये चीज बहुत अच्छी है आपने बताया, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, तो बच्चे दोनों प्राणायाम कर सकते हैं अपने मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि योग बच्चों को किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। बट एक चीज और मैम आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कि योग आपने बताया कि योग होलिस्टिक हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, तो क्या ऐसे कोई आपके 4 या 5 कोई टिप्स आपके पास हो कि बच्चे आज उन्हें यहाँ से कैप्सूल के फॉर्म में ले जाएं या उनके पेरेंट्स यहाँ से कैप्सूल के फॉर्म में ले जाएं और वो बच्चे अपने डेली लाइफ में अपने होलिस्टिक हेल्थ को डेवलप करने के लिए यूज कर सके। तो ऐसे कोई टिप्स अगर आपके दिमाग में हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बच्चों की जैसे बात कर रहे हैं तो बच्चों को हमें एक रूटीन में लाना बहुत ही बड़ा काम होता है कि उनके लिए एक रूटीन सेट करना कि आपको जो उनका कहते हैं ना एक जो सही रूटीन होता है कि सुबह जल्दी उठना, फिर ये काम करो, फिर उसके बाद दूसरा काम करो, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, ये सारी एक्टिविटीज करवाना बच्चों के लिए, बच्चों से मतलब वो बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट कि वो बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, सुबह उनको टहलाने ले जाएं, उनको एक्सरसाइज कराएं, और उनके जो पूरे डेली जो उनका रूटीन होता है वो एक सही तरीके से चले। जिस टाइम पे जो चीज होनी चाहिए उस टाइम पे वो चीज हो, और टाइम पे बच्चों को सोने के लिए भी बोले। उनकी जब तक हम आदत बचपन से नहीं डलवाएंगे, बड़े होते तक उनकी आदत नहीं डलेगी। अभी वो बच्चे हैं, उनके पास ज्यादा काम नहीं है, उनकी कोई ऐसी नाइट शिफ्ट नहीं होती है कि हमें काम करना है करके, तो वो ये आदत डाल सकते हैं। बड़े होके तो उनके बड़े होके तो चलिए लोगों के पास कोई ना कोई मजबूरी होती है कि हम हमारी नाइट शिफ्ट है इसलिए हम नहीं सोए, या हमारे पास ये काम था तो हम देर तक जग गए। बट बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें बच्चों को एक रूटीन में डालना पड़ेगा, उनकी आदत डालनी पड़ेगी एक रूटीन में चलने की। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों से जितना हो सके उतना योगा और प्राणायाम का अभ्यास करवाना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम बच्चों को अभी से अगर उनकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों की मेंटल प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये आगे चल के उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी एज अ पेरेंट्स को ये चीज सोचना पड़ेगा कि उन्हें बच्चों से ये चीज करवानी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो इतना नहीं जानते कि उन्हें क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको मोटिवेट करें, वो कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज करें जिससे कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके आए और बोले कि हाँ मुझे भी योगा करना है, मुझे भी ये आसन लगाना है, कैसे लगता है, इस तरीके से। दूसरा मैं ये कहूंगी कि हमें एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जब हम पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो बच्चे पढ़ किस पोस्चर में रहे, मतलब वो किस तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज के टाइम पे बच्चे नीचे से बिल्कुल मुंडे झुका के पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अधिकतर उनकी पढ़ाई फोन पे होती है, तो उनका पूरा दिन ऐसे झुके झुके चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी पोस्चर पर उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से बैठ रहे हैं, अगर वो पढ़ने बैठे हैं तो वो कैसे बैठ रहे हैं, अगर वो उठ रहे हैं या सो रहे हैं तो उनकी पोजीशन कैसी है। इन सब चीजों पे बहुत फोकस होकर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे चल के उनके जो फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि वो जितना ज्यादा वो बिल्कुल फोन पे, आजकल पढ़ाई पूरी फोन पे हो रही है, फोन पे बच्चे ऐसे नीचे से टिका के फोन ऐसे नीचे मुंडी करके देख रहे होते हैं, फोन पूरे उनके सर्वाइकल रीजन पे वो उसका असर जाता है, और आगे चल के उनको सर्वाइकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अगर हम अभी से बच्चों के पोस्चर वगैरह पे ध्यान देंगे, उनके बैठने उठने के तरीके पे ध्यान देंगे, उनपे सुधार करवाएंगे, तो आगे उन्हें फिजिकली इन चीजों को जो अभी पेन बड़े लोग देख रहे हैं सर्वाइकल पे, बैक पेन, लोअर पेन, तो वो उन्हें नहीं होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, पोस्चर वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम 70-80% बच्चों का फिजिकल एक्टिव जो स्टडी है वो पूरा ऑनलाइन हो गया, लैपटॉप और वो, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़े दिनों के बाद आईज प्रॉब्लम एंड ये जो सर्वाइकल आप बोल रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम अभी नहीं आएंगी, कुछ दिनों के बाद ये बहुत कॉमन और बहुत कम एज वाले लोगों में देखने बच्चों में देखने को मिलेगी। तो इसके लिए अभी से ये वार्निंग है कि हम लोग किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं,
हैं, उनका जो जो जैसे लैपटॉप या वो है, तो वो क्या उनकी आईज की लाइन में है क्या, उनकी कमर कैसी है, उनकी बैक सीधी है क्या, गर्दन उनकी कैसी है, तो ये सारे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट ये रीजन बन जाती है कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों का। तो अभी अभी से अगर हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि बच्चों का पोस्चर सही हो तो ये बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि आपने 3 पॉइंट्स बताए, फर्स्ट कि आपको रूटीन सेट करना है अपने बच्चों का, एक उनका प्रॉपर रूटीन हो मॉर्निंग उठने का या जागने का। दूसरा ये है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी उनके, या फिजिकल एक्टिविटी योगा उनके डेली रूटीन में होनी ही होनी चाहिए, मस्ट है। थर्ड वन की पोस्चर ऑफ द स्टडी, कि किस पोस्चर में वो स्टडी कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी एक्सपायर वो कर रहे हैं, तो उनका पोस्चर मेंटेन, जो बैलेंस पोस्चर होना चाहिए प्रॉपर, उसका जो राइट पोस्चर होता है उसके लिए आपको गाइड करना होगा। तो अपने 3 टिप्स बताए, तो श्योरली ये हमारे व्यूअर्स को, बच्चों को या फिर बच्चों के पेरेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं और बाद में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमें देखेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बच्चों की योगा के लिए गाइड किया हमें, थैंक यू सो मच। और अगर आपको एट लास्ट अगर कुछ और बोला है तो आप बोल सकते हैं, आप फ्री हैं। बिल्कुल, मैं बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि ये जो पेज है लाइव हॉलिस्टिक, वो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में लोगों को योग के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना पड़ेगा ताकि लोग योग को अपनी लाइफ में ऐड कर सके। केवल मोदी जी के फिट इंडिया जैसे किसी प्रोग्राम को चलाने से इंडिया फिट नहीं हो जाएगी, हम सब कुछ इस चीज के बारे में आगे, मतलब आगे आके हमें बताना पड़ेगा, लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तब वो जाके एक प्रोग्राम जो मोदी जी चला रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो तब वो पूरा होगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं लोगों से कहूंगी कि बिल्कुल वो आए हैं हर वेडनेसडे, एटलीस्ट वो स्टेज पे आके लाइव सेशन से जुड़े, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा, इसकी गारंटी हम सब ले रहे हैं। जितने भी योगा के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर्स यहाँ ऐड हैं अभी, जितने भी देख रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ज्यादा लोगों को और ज्यादा जानना है योगा के बारे में, तो इंस्टाग्राम पे सबके कुछ सभी ने अपने अपने एक पेज बना रखे हैं, सबका अपना अपना एक सेशन चल रहा होता है, तो आप उन सबसे भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे वेडनेसडे को आपने लाइव होलिस्टिक का देख लिया, किसी और दिन आप किसी और पेज से कुछ लाइव सेशन आ रहे हो, आप उन्हें देख सकते हैं। और जैसे अगर आपको योगा पोस्चर से रिलेटेड, योगा आसन से रिलेटेड चीजों के बारे में जानना है, जुड़ना है, तो आप योगी निष्ठा जो मेरा पेज है, आप उस पर भी आके देख सकते हैं करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल बताया, मैम का भी आप पेज फॉलो कर सकते हैं, योगिनी निष्ठा के नाम से उनका पेज है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे आसनों के बारे में, वो अभी आसनों पे वर्क कर रही हैं कि जो भी पोस्टर्स हमारी बॉडी के लिए अकॉर्डिंगली क्या क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, तो आप उनको भी वहां पे देख सकते हैं। बाकी जो भी आपको गाइडेंस चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके लिए होलिस्टिक हमेशा आपके साथ है, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप हमारे हर सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, सारे ट्विटर एंड सारे सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कुछ भी हेल्थ इश्यू है आप आइए, हमें ड्रॉप इन कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं www.liveholistic.in, और आप निष्ठा मैम से भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच निष्ठा मैम हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच, होप हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। और आपने बिल्कुल सच कहा कि फिट इंडिया अगर कागजों में बन के रह जाएगा तो उस फिट इंडिया का कोई मतलब नहीं है, हमें रियल में फिट होना होगा, तभी उस फिट इंडिया जो एक आया है उसका सही मायने में कुछ दिखेगा। तो वो जब हर व्यक्ति फिट होगा तभी होगा, वरना हमारा वो चीज ओनली पेपर्स में ही होके रह जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं पे फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच हमारा हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, हम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।